हेलो फ्रेंड्स, सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर को और दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई। और चैनल VIIIC पर मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही है। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, साथ में ही मोदी जी भी, भारत के प्रधानमंत्री भी बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं लगातार कर रहे हैं और कंटिन्यू आप लोगों को इसके लिए जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर करें, शेयर करें वीडियो को और यदि पसंद आता है तो लाइक करते चलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा जो कि शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 अगस्त 2021 यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर दी है। और उन्होंने इस उद्घोषणा में जो प्रमुख बिंदु बताए हैं वो हैं 27% OBC आरक्षण पर। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी वाले के लिए भी आरक्षण के प्रावधान की बात इसमें कही है। इसके साथ ही SC ST से संबंधित भी उन्होंने अभ्यर्थियों के बारे में काफ़ी कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त 2021 यानी कि आज के दिन क्या क्या बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं की हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास उसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। हमारे पिछड़े वर्ग के बहनों और भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। 27% रिजर्वेशन के नाम पर पिछले दिनों लगभग धोखा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार का ये प्रयास रहेगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू करने में हम कोई कसर ना छोड़ें और हम उसके लिए न्यायालय में हम जो आवश्यक पैर भी है उसका पूरा इंतजाम करेंगे। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया कमीशन बनाने का भी मैंने फैसला किया है, जो व्यापक पैमाने पर पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों की इन स्थितियों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे सामान्य वर्ग के जो निर्धन भाई और बहन है, 10% आरक्षण हमने उनके लिए सुनिश्चित किया है, लेकिन गरीब किसी भी वर्ग में पैदा हो, भूख और बीमारी वर्ग देख के नहीं आती, और इसलिए सामान्य निर्धन वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक हो या घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ भाई और बहनों, उनको भी स्थायी बसेरा मिले और वह समाज की मुख्य धारा में लौटे, इसके लिए हम विशेष प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की है, जो उद्घोषणा की है और जो संदेश सामान्य जनता तक पहुंचाया है, वह सभी वर्गों से संबंधित हैं, चाहे वह SC से हो, ST से हो, OBC से हो या जनरल हो, सभी को साधने का प्रयास किया गया है। और एक बात और यदि हम इसका विश्लेषण करें तो सामने नज़र आती है कि ये हाईकोर्ट के डिसीजन की ही बात कर रहे हैं कि हम अपना पक्ष उसमें अच्छी तरह से रखेंगे और निश्चित रूप से 27% OBC आरक्षण लागू करने की पुरजोर कोशिश करेंगे और हमारे प्रयास रहेंगे। इसके लिए हम अन्य पिछड़ा आयोग के गठन का भी प्रावधान कर रहे हैं जिससे कि और भी आसानी हो सके 27% आरक्षण के मामले में। अब दोस्तों, ये सफलता उनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती, ये तो हाईकोर्ट के 1 सितंबर को यदि फैसला आता है तो उसी में क्लियर होगा और जो भी होगा सभी के सामने होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।